Hi guys, this is your Kabhi Kabhi Aditi and welcome back to my YouTube channel. And ये vlog होने वाला है हमारे shifting को. ये हमारा प्यारा सा घर था, एक साल से हम यहाँ पे रह रहे थे. कल हम यहाँ से चले जाएंगे. आज लास्ट हम इस प्यारे से डाइनिंग टेबल में डिनर कर रहे हैं, उसके बाद ये सब हम लोग पैक कर देंगे. तो हम लोग जा रहे हैं अब नई जगह. तो आज का हमारा जो डिनर है हम लोग लास्ट टाइम इस घर पे खाने वाले हैं दाल खिचड़ी. तो कैसा रहेगा हमारा ये सफर आप लोग जरूर देखना. एंड हमारा जो नया घर है वो भी उसको भी देखने के लिए आप लोग आई होप आप लोग एक्साइटेड हैं. आई एम सो एक्साइटेड. यस क्या होता कभी टिप्पणी. हाय अगेन. तो अभी बज रहे रात के 12 और सब कुछ मैसी है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू किया जाए. और ये देखो आज हमारे छोटे छोटे बच्चे नहा दो की इतना सुंदर सुंदर लग रहे हैं. सुंदर सुंदर बेबी. नो 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 यहाँ ना बच्चा. यहाँ मिक्स फीलिंग, समझ नहीं आ रहा है. खुशी भी लग रही है, बुरा भी लग रहा है. खुशी ये लग रही है कि जो हम घर पे जा रहे हैं वो काफी अच्छा. इतने प्यार से हमने ये चिपकाए थे. हाँ ये सब प्यार से हमने चिपकाए थे. सबको अलविदा करना पड़ रहा है. अलविदा. मैं कपड़ा तय लगा दूँ ना. टिफनी कहना चाह रही है कि कपड़ा मत पैक करो, हम लोग यही रहेंगे. एक साल हो गया. एक साल के बाद अदिति ने आज ये फाइनली खोला है अपना सूटकेस. क्या कभी दुनिया में जिंदगी में नहीं देखा कभी सब पहनते हुए इसको मैंने. अच्छा तो एक दो तीन बहुत सारे सूटकेस होने वाले गाइस पैक होने वाले कल के लिए. और इसको भी डिसमेंटल करना है, इसको खोलेंगे हम लोग. उसको पीसी सेटअप को मुझे खोलना पड़ेगा. हाय अगेन. सो सुबह के 4 बज रहे हैं. मैंने काफी सारी पैकिंग कर ली है, कपड़े धो लिए और भूख लगी थी बहुत तेज. एंड हम लोग सोचे कि थोड़ा सो जाते हैं ताकि कल का दिन बहुत लंबा होने वाला है, बहुत कुछ करने वाले, बहुत सारी शॉपिंग करनी है. और गाइस मैंने मंगाए एक छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से चिकन चीज मोमोज. अदिति को पता नहीं था कि मैंने मोमोज मंगाए. तो अदिति तो खाएगी नहीं ना. मुझे मोमो पसंद ही नहीं है. हाँ देखो मुझे पसंद ही नहीं है. हाँ तो मैं खाओ दो. A few moments later. Hi. Why are you so sad? तो सारन का मुंह बहुत उतरा हुआ है because कल रात को मैंने मंदिर के गुल्लक में से कुछ पैसे निकाले थे मंदिर का सामान लेने के लिए. यहाँ पे रखा था और वो आज तुम्हारा ही जूता है. पता नहीं लगा सकते तुम. ठीक चल नहीं क्या ठीक है. ये सब हो गया है, पैकिंग चल रही है यहाँ पे. ये मेरा फेवरेट शीशा. भैया आराम से. ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट. ओ माय गॉड कितना कचरा है. इतना कचरा है. ये ऑलमोस्ट निकल चुका था बट आज हम इस गद्दे में सोने वाले हैं. अब इसको करना पैक. वैसे हमारा पूरा बेड खोल के डिसमेंटल हो गया है और इसकी पैकिंग चल रही है. गाइस ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई है घर की. बट मेन फकअप ये होगा कि जैसे हम लोग आज ये लोग आए थे 4 बंदे वो पैकिंग के लिए, तो उधर अंदर चले गए और उन्होंने खुद से अलमारी में खोल के उन्होंने पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया. तो मैं तो सरप्राइज हो गया ऐसे क्योंकि उन्होंने हम लोग बाहर थे और एकदम से चले गए अंदर. एंड देन उन्होंने लॉकर में कुछ पैसे रखे थे, ज़्यादा नहीं था 3,500 रुपये का. सो वहाँ पर रखा हुआ था. जैसे ही मैंने देखो घर में आया क्या उसमें कैश रखाना ऊपर है. मैंने उनको बोला कि आप लोग उनको बाहर आओ, मैं कुछ देखना है मुझे. मैं जब गया अलमारी खोली कैश लाया. तो ये था कि आई डोंट नो 99% तो है कि
इनमें से किसी एक ने किया है, बट ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि पुलिस के साथ फ़ायदा नहीं है, जाएंगे सो जाएंगे, दो दिन वाले रुक जाएंगे, चुराने के लिए पैसे भी नहीं होंगे इनके पास। अगर इनको हम पुलिस स्टेशन भेजते भी है, चेकिंग वेकिंग कराते भी है, तो गाइस इनके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि छुड़ा सके, दो दिन सो जाएंगे, वापस तीसरे दिन निकल जाएंगे। आई होप भगवान तो देख रहा है, गॉड इज़ अप, भगवान देख रहा है, सो आई एम श्योर कुछ बुरा हुआ तो जरूर अच्छा भी होगा, है ना बड़ी? क्या मतलब भगवान तो ऊपर देख रहा है। Yes, वो मेरे भगवान के मंदिर के पैसे थे, मंदिर के पैसे थे, हम लोगों से मंदिर खरीदा था। सो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ हुआ है तो आई एम श्योर भगवान भी देख रहा है, तो कोई बात नहीं, गुनेगार को सजा मिलेगा। सजा तो क्या मिलेगा, थोड़ा सा उसको समझ आ जाना चाहिए, रियलाइजेशन हो जाना चाहिए कि ऐसे गलत काम किया उसने, और भगवान जितना हमारा गया उसके इंटू थाउजेंड आए भगवान की दुआ से हमारे घर पर, भगवान भी बोले तथास्तु, है ना। वो मेरे मंदिर के पैसे थे, मंदिर खरीदेंगे और सब चीजें करेंगे, मंदिर खरीदेंगे, मंदिर का सामान खरीदेंगे, इस बार बड़ा मंदिर खरीदेंगे। बुरा ही लग रहा कि मंदिर का पैसा था इसलिए गुम हो गया, एक तो, और प्लस ऐसे चोरी होना इज नॉट गुड थिंग ना। मुझे समझ ही नहीं आया, एकदम आके एकदम घुस गए कमरे के अंदर और सीधे कबर्ड खोलने लगे, काम चालू एकदम, कबर्ड खोले, कपड़े निकाले, सब निकाल दिया उन्होंने, क्या करा, और छुमंतर तो हालत ऐसी हुई कि बहुत नींद आ रही है, थक गए, कल रात को मेरे से सोई नहीं था आपको पता ही है, बहुत भूख लग रही है, मैंने चाय पिया फाइनली सुबह से, अभी 3-4 बजने वाले हैं, सुबह तक अब जाकर चाय पिया। तो गाइस कुछ दिनों के लिए हम लोग ऐसे सोने वाले हैं नीचे, जब तक हमारा ऐसे शिफ्टिंग नहीं होता, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे और 2 दिन रुकना पड़ेगा। सो ये सेटिंग है, रात को हम लोग अभी बिस्तर यहाँ लगा के सोएंगे, बाकी सब चीज़ें यहाँ सुखेंगे। क्या लगे अभी अदित ने सब बैठ के पूरा फर्श और साफ किया, कुछ हमारा इसको कितने क्या हुआ, सोच ही नहीं थी ब्रश करते हुए कि बिरयानी के साथ कोल्ड ड्रिंक होता तो मजा आ जाता। आई लव यू, चलो वेट कर रहे हैं, तुम लोग नीचे बैठ के खाने वाले हैं बिस्तर पे, इसका भी फीलिंग अलग है ना, बहुत मेहनत करके इसको हमने शिफ्ट किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फंस गया था, उसको खड़ा करके लेकर आए हम लोग, एंड द वर्स्ट पार्ट इज ये वाइट कलर में है तो उसको स्क्रैच बिल्कुल नहीं कर सकते हम लोग, स्क्रीन को भी बड़ा मुश्किल से लेकर आए, होपिंग किसी कुछ भी ना हो, क्योंकि बहुत महंगा टीवी है। तो आज हम लोग यहाँ पे पूरा फील लेने वाले हैं अपने टीवी का, क्योंकि जब से हमने टीवी लिया हार्डली हमने टीवी देखा है, क्योंकि बाहर जाके हॉल पे हम बैठते नहीं टीवी देखने के लिए, हाँ सोफा में मज़ा नहीं आता उसमें बैठने में, इसलिए इस बार हम लोग मस्त है बेड पे। रात के बज गए 2 ऑलमोस्ट, और ये जो लड़की है ना पैकिंग के जगह मस्ती कर रही है दोनों बैठे, और मुझे इग्नोर कर रहा तो आप एकाती टीवी का चिड़े को। एंड बाय द वे गाइस, कल हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं मॉर्निंग में, सो अभी हमको वापस थोड़ा बहुत कुछ पैक करना है, कुछ चीजें जो रह गई हैं किचन की सामान ऑलमोस्ट। अरे करती हो क्या, क्या हीरो, क्या हीरो, खुद खुद जिसका इंचा आफी जिसका इंचा, मतलब हीरो हीरो बच्चा जैसे वो कर रही हो कुछ। तो हम लोग कुछ पैकिंग वैकिंग करना है किचन का सामान, वो भी कम पैक करेंगे, उसके बाद हम सोएंगे, कल सुबह 9:30 लोग वो लोग आएंगे, तो हम सारा सामान शिफ्ट करेंगे हमारे नए घर पे।